वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम वकार है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 69 का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट हमने देखा था कि अर्जुन को कृष्णा जी अपने बारे में बता रहे थे और अपनी जो बचपन में जो वो करते थे मश्किरी हरकतें, माखन चुराना, लड़कियों को ऐसे गुलेल से मारना। तो अर्जुन देख रहा है कि यार ये कृष्णा जी आज मुझे क्या दिखा रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो वो बैकग्राउंड में चल रहा था ना, मुरली मनोहर मुरारी, वो तो भाई अलग से मज़ा था। बाकी देखते हैं ये रुक्मणी जी कौन है, अभी वहां पर ये जाएंगे। परंतु यदि यदि पिता ने स्वयंवर न रचा हो तो क्या कन्या का अपहरण करना ये धर्म है? माधव, धर्म का सवाल आ गया। स्वयंवर रचा गया हो या ना रचा गया हो, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करना तो अधर्म ही होता है पार्थ। वास्तव में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने, और उस स्वतंत्रता को छीन लेना सदा ही अधर्म होता है पार्थ। और आज ये अधर्म रुक्मणी का भाई कर रहा है। मैं तो केवल एक स्त्री का अधर्म से रक्षण करने जा रहा हूं पार्थ। तो फिर आदेश दीजिए माधव, केवल मेरी प्रत्यंचा की टंकार ही विदर्भ के दुर्ग को तोड़ देगी। यही तो भय है अर्जुन, यही भय है। रुक्मणी ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उसके परिवार जनों के प्राणों की रक्षा हो, युद्ध तो नहीं कर सकते हम। और वैसे भी पार्थ, जब भगाना संभव हो तो व्यर्थ हिंसा क्यों करें हम? तुम गुप्त रूप से रुक्मणी से जाकर कहना कि जिस प्रकार पत्र में लिखा है ठीक उसी प्रकार माता पार्वती के मंदिर में मैं प्रतीक्षा करूंगा। गुप्त रूप से माधव, किस भेष में जाएंगे? हाँ, भेष कौन सा रूप है? मैं ग्वाले का भेष लूंगा, मुझे बहुत अभ्यास है ग्वाला बनने का। और मैं माधव, क्या ले जा रहे हो? मैं इंदौर कृष्णा जी का पाक है, प्रसाद है। तुम कौन हो? गोपाल नाम है, गायों को पालने वाला। यहां अंदर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? अच्छा महोदय, अब समझ आया। वो यादव है ना, यादव कृष्ण, उसने हम ग्वालों का नाम मलिन कर रखा है। ऐसे ऐसे कार्य किए हैं उसने कि आप जैसे शस्त्रधारी रक्षकों को भी हम गोपालकों से भय होता है। ठीक, हमें कोई भय नहीं है। तो ये दरा सा खीर पाक ले जाए युवराज शिशुपाल के लिए। ठीक है, चले जाओ, लेकिन तुरंत चले आना।
जो आप कह रहे, धन्यवाद जो आप कह रहे। आओ रेनला, कृष्णा जी सच में लग रही है लड़की एकदम खूबसूरत कन्या। ये कौन है? बहन है महोदय, ब्रहनला नाम है। लड़की नाम सच में यार सामान्य स्त्रियों से कुछ बृहद और विशाल है ना, इसलिए माता ने इसका नाम ब्रहनला रखा है। आओ माधव, ये कैसा भेष दे दिया माधव। मैंने तो तुमसे कहा था पार, ये कार्य वास्तव में तुम्हारे लिए भयानक होगा, किंतु इसका अभ्यास कर ही लो, जीवन में पता नहीं कब ये अभ्यास तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाए। और ये नाम भी ब्रहनला। पार्थ, वो रुक्मी है। रुक्मणी का ज्येष्ठ भ्राता। विदर्भ का युवराज। उसी से पूछते हैं कि रुक्मणी का आवास कहां पर है। क्या कर रहे हैं माधव? वो जान जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। वास्तव में मैं कौन हूं ये तुम भी कहां जान पाए हो पार। तो वो क्या जानेगा? इनको आम आदमी समझ रहे हैं कृष्णा जी, वो खुद भाई सिग्नल एक दे देते हैं भाई, एक झटका दे देते हैं। अर्जुन को ही पकड़ो, ऐसा कार्य दे दिया है लड़की वाला। अरे यार कृष्णा जी ये क्या नहीं कर। युवराज, युवराज आशीर्वाद दीजिए युवराज। कल्याण हो, कौन हो तुम? युवराज, महर्षि दुर्वासा ने ये प्रसाद भिजवाया है। उन्होंने कहलवाया है कि अनुष्ठान के कारण वो विवाह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वर और वधु के लिए प्रसाद भिजवाया है। ठीक है लाओ। नहीं नहीं युवराज, महर्षि ने कहा था केवल वर और वधु इसे स्पर्श करें, अन्यथा अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, स्वयं जाकर दे दो। स्वयं? युवराज, युवराज मेरी बहन ब्रहनला वो स्वयं जाके राजकुमारी को ये प्रसाद दे देंगी, यदि आपकी अनुमति हो तो। लड़की ठीक है, किंतु अभी नहीं, कुछ समय के पश्चात वहां ऊपर वाले कक्ष में ले आना। उस कक्ष में जो आदेश युवराज।
माधव आपने उसके चरण स्पर्श किए। बात वो रुक्मणी के ज्येष्ठ भ्राता है, चरण स्पर्श तो करने ही होंगे ना, और क्या पता भविष्य में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो या ना हो। ये क्या अर्जुन ही परेशान है, वास्तव में महर्षि दुर्वासा का प्रसाद है। तुम्हें मुझ पर संदेह है पार्थ? अवश्य ही उन्हीं का प्रसाद है, द्वारका के पास ही उनका आश्रम है। मैं स्वयं जाकर वर और वधु के लिए प्रसाद मांग लाया था। पकड़ो। वर तो मैं ही हूं, इसलिए प्रसाद तो मुझे ही ग्रहण करना होगा ना। अब जाओ, एक प्रहर में रुक्मणी को माता के मंदिर में ले आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इम्तिहान है अर्जुन का, एक रूप में तेरी लीला न्यारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। व्हाट एपिसोड भाई, क्या बात है। आज तो कृष्णा जी ने अर्जुन को बता ही दिया भाई, अभी चलते हैं वहाँ पर, ऐसा रूप बना लिया। अरे भाई अर्जुन तो हमें हंसा रहा था, ये जो लड़कियों वाला रूप बनाया। बाकी कृष्णा जी की क्या बात करें, जो भी रूप हो भाई उनके चेहरे पे मुस्कान होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कृष्णा जी उनके पैरों में गिर पड़े, तो अर्जुन बोल रहा है भाई आपको वो पहचान लेगा। कृष्णा जी ने जो बात बोली कि भाई तुम अभी तक तुम नहीं मुझे पहचान नहीं पा रहे, तो वो कौन है जो मुझे पहचानेगा। अर्जुन को कठिनाई बोली थी ना कृष्णा जी ने, भाई बहुत मुश्किल लगेगा, तो मुश्किल वही है जो लड़कियों का रूप दे दिया अर्जुन को। भाई अर्जुन खुद हैरान है, कृष्णा जी को बोला तो ये कौन सा दे दिया आपने मुझे कार्य, तो बोला आपको मैंने पहले ही बोला था बड़ा मुश्किल लगेगा। तो अभी देखेंगे आगे रुक्मणी जी कौन है, वो अर्जुन उसको कैसे ले आएगा माता के मंदिर पर। भाई मैं तो खुश हो गया हूँ कृष्णा जी को देखकर, भाई एक्साइटमेंट हूँ उसका। तो यार मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कृष्णा जी को ये पर देखकर ना, ऐसे यार कृष्णा का और ये अंदाज, और ये अर्जुन को जो गेटअप मिला है भाई लड़कियों वाला, अर्जुन भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और यार ये अर्जुन तो कह रहे हैं कृष्णा जी को, भाई अगर मुझे हथियार उठाने की इजाज़त हो तो मैं तो ऐसे ही लेकर आऊँ, पर वो जो कन्या है ना लड़की ने, उसने बोला है नहीं ऐसे नहीं मेरे। वो लड़की अर्जुन ने सवाल किया भाई कृष्णा जी के साथ, ये तो लड़की को अगर अगवा कर लेंगे हम तो ये तो अधर्म हो जाएगा। पर कृष्णा जी ने जो जवाब दिया भाई, वो तो लड़की के खिलाफ, अब अगर आप शादी करवाओगे तो वो अधर्म है, अगर वो लड़की अपनी रजामंदी से शादी करना चाहे तो वो उसके साथ हैं वो। तो ये भाई बड़ा मैसेज हमें मिल गया भाई, बड़ी अच्छी बात। सही बात है, देखेंगे कृष्णा जी ने बोला है मैं पार्वती जी के मंदिर में इंतज़ार करूँगा, तो देखते हैं अर्जुन इस इम्तिहान में कामयाब होता है या फिर नहीं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, अभी के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।